वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं थोड़ी यूजुअल से अलग दिख रही होंगी क्योंकि मेरे चेहरे पे कुछ भी मेकअप नहीं है। आज हम करने वाले हैं मेरा डे टाइम स्किन केयर रूटीन। जब मैंने मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन की थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे डे टाइम स्किन केयर के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, तो उसे बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन हाँ फाइनली वो वीडियो आज मैं बना रही हूँ। और मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम वहाँ पर भी देना पड़ रहा था, तो मैं ये वाली वीडियो इसलिए नहीं बना पाई। और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यस, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी डे टाइम स्किन केयर रूटीन कैसी है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं अपनी डे टाइम स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करती हूँ फेस वॉश से। और इस वीडियो के लिए अभी मैंने कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, मैंने अपना फेस वॉश नहीं किया है, तो अभी मैं जाके अपना फेस वॉश करूँगी। बट उससे पहले रही बात कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत टाइप के नए नए फेस वॉशेस ट्राई करना अच्छा लगता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये वाला, ये है लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो स्ट्रॉबेरी जेल फेस वॉश। तो ये मैंने अभी लिया है कुछ टाइम पहले, और अगर बात करें इसकी तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक ठाक फेस वॉश है क्योंकि थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर देता है और मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई करूँगी और मैं ज़रूर बताऊँगी कि वो कैसा है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और मैं मेरे पास सेटेफिल का भी है, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, बट आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स स्पेशली इन फेस वॉश कैटेगरी, सो करेंटली आई एम यूजिंग दिस। तो यस, मैं पहले फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके, सो आई एम बैक और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अब नेक्स्ट स्टेप है टोनर। मैं यूज़ करती हूँ ये वाला टोनर, ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायोकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालयन वाटर्स। तो ये है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। मुझे ये टोनर सूट हुआ है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। इसका एक जो पैक है वो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, और ये सेकेंड वाला है जो मैंने वापस से बुलवाया है, तो ये बिल्कुल न्यू है और आज इस वीडियो के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। तो स्किन केयर का ऐसा है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो आपको ही पसंद आए या वो आपको भी सूट करे, तो आपको अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर सकता है, क्योंकि अगर आप स्किन टाइप नहीं देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट शायद बिल्कुल भी सूट ना करे। तो आप पहले स्किन टाइप देखिएगा, इसमें लिखा है जैसे कि फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, तो हमें इस तरीके से देख लेना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है और हम उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें। तो जैसे मेरा नॉर्मल स्किन टाइप है, तो अगर किसी की नॉर्मल स्किन टाइप है तो वो मेरे जैसे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक कॉटन पैड लूँगी और उस पर मैं टोनर लगाऊँगी, इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाऊँगी। टोनर क्या करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं ऑलरेडी अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लें, उसमें मैंने इन डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है टोनर के बारे में। और मैं डे में भी और नाइट में भी दोनों टाइम पे टोनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम फेस वॉश तो डे में भी करते हैं और नाइट में भी करते हैं, इसलिए टोनर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर फाउंडेशन वगैरह भी आप लगाते हैं तो नेक पे भी लगाना चाहिए, इवन ईयर्स पे भी लगाना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट शेड है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो आई एम डन विद दिस स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, सो टोनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र, और करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। ये है बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर 30+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो मेरा मेन रीज़न इस मॉइस्चराइज़र को चूज़ करने का ये था कि इसमें SPF है, दो इसमें बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल SPF नहीं है, लेकिन हाँ इसमें SPF है, तो अगर कभी मुझे एकदम मैं जल्दी में हूँ और मैं सनस्क्रीन नहीं लगा पाती हूँ तो एटलीस्ट मेरे मॉइस्चराइज़र में SPF होना चाहिए। तो मैंने ये सोच के इस मॉइस्चराइज़र को चूज़ किया है, और ये अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, जितना होना चाहिए उतनी इसकी कंसिस्टेंसी है, और जो चेहरे को है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी करता है। तो मुझे मॉइस्चराइज़र अच्छा लगा और मैंने हाफ इसे यूज़ भी कर लिया है। तो इसके बाद टोनर के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। ओके, सो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, जो है आई क्रीम। और मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नया है, ये मेरा नया परचेस है, मेरे पास एक और आई क्रीम रखी है, वो मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, और मुझे कुछ नया ट्राई करना था तो मैंने ये वाली डे के लिए बुलवा ली।
ये है बायोटिक की ही बायो सीवीड रिवाइटलाइजिंग एंटी फेटिग आई जेल। ये एक्चुअली आई क्रीम नहीं है, ये आई जेल है, ये जेल फॉर्म में है। और जो दूसरी वाली मेरे पास है वो सेंट बोटानिका की है और वो मैं रात में यूज़ करती हूँ, वो क्रीम फॉर्म में है। तो आई क्रीम रात में तो लगाना ही चाहिए, साथ ही साथ डे में भी लगाना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है आई क्रीम लगाना। और आई क्रीम के भी बेनिफिट्स जो है वो मैंने अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में बताए हैं, तो प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। आई क्रीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जो आँखों के साइड की स्किन होती है क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होती है, तो उसकी केयर हमें करनी ज़रूरी है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लगती है, तो हमें आई क्रीम यूज़ करना चाहिए। कोई भी आई क्रीम आप चूज़ कर सकते हैं, हर आई क्रीम के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, एक्चुअली हर क्रीम के पीछे ही इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो आप एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए अगर आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो, क्योंकि उससे एक अच्छा नॉलेज हो जाता है कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। और फीचर्स भी लिखे रहते हैं और ये भी लिखा रहता है कि जो भी हम क्रीम परचेस करने वाले हैं वो क्या क्लेम करता है, वो क्या करेगा, तो इससे एक आइडिया हो जाता है। जाना होता है, कभी कभी बाहर जाना होता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप इतनी सारी चीज़ों को लेयर अप करो और उसके ऊपर आप मेकअप भी करो, जितना भी थोड़ा बहुत करना होता है या ज़्यादा भी करना है, जो भी कुछ करना है, तो पहले इतना सारा कुछ करो उसके ऊपर मेकअप करो, बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो आई मेक श्योर कि मैं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर को थोड़ी कॉम्पैक्ट ही रखूँ। और अभी इसमें एक स्टेप मैंने ऐड नहीं किया है फ़िलहाल, सिरम, क्योंकि मैं सिरम रात में यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने डे टाइम स्किन केयर में भी उसे इंक्लूड करूँ, और जब भी मैं करूँगी कुछ भी परचेज़ करूँगी तो उसकी मैं अपडेटेड वीडियो भी बनाऊँगी, बट फिलहाल मैंने सिरम इसमें ऐड नहीं किया है। ओके, सो हमारी चार स्टेप्स हो चुकी हैं और अब हम आते हैं हमारी फाइनल स्टेप पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डे टाइम के लिए, और वो है एक सनस्क्रीन। मैं यूज़ करती हूँ निविया की सनस्क्रीन, ये है निविया सन प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चर मॉइस्चराइजिंग सन एंड कॉलेजन प्रोटेक्शन SPF 50+। इसमें PA 4+ है, प्लस UVA-UVB प्रोटेक्शन है, और ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है और ये मैंने SPF 50 वाली ली है, तो ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, सच में ये प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को, और मैंने ट्राई किया हुआ है, मैं बहुत पहले से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई सनस्क्रीन लेनी है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद सनस्क्रीन लगाती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपना मेकअप करती हूँ, जो भी मुझे करना होता है, लेकिन ये लास्ट स्टेप है। और सनस्क्रीन मतलब सब कुछ सील कर देता है, जो भी हमने कुछ लगाया उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर की तरह काम करता है और हमें सन डैमेज से भी बचाता है। तो सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डे टाइम स्किन केयर रूटीन। आप चाहे तो आई क्रीम शायद स्किप कर दें या कुछ और स्टेप भले ही स्किप कर दें, लेकिन आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। डन विद आर फाइनल स्टेप, जो हमारी फाइनल स्टेप है वो भी हो गई है और यहीं पे मेरी डे टाइम स्किन केयर रूटीन ख़त्म होती है। मैं इतना ही करती हूँ और इसके बाद मुझे जो भी मेकअप करना होता है वो मैं मेकअप करती हूँ इस पूरे स्किन केयर के ऊपर। तो डे टाइम स्किन केयर रूटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सन में जाते हैं और सन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और पोल्यूशन होता है और जो भी चीज़ें होती हैं उससे स्किन को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और स्किन को डे में अलग रूटीन लगती है, नाइट में अलग रूटीन लगती है। नाइट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने चेहरे पे लगा सकते हैं क्योंकि स्किन एब्जॉर्ब करती है उसे। जब हम रात में सोते हैं तो जो टाइम होता है उसमें जो स्किन है वो अच्छे से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती है, बट डे में हमें बाहर जाना होता है, थोड़ी जल्दी होती है, तो आप थोड़े से प्रोडक्ट्स कम भी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। जैसे नाइट में हम शीट मास्क वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि उसका जो बेनिफिट होता है वो नाइट में अच्छे से मिल पाता है, स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, इसलिए स्पेशली मैं तो उसे नाइट में ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ और वो है लिप बाम। तो आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं क्योंकि लिप्स की केयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्किन की केयर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन्हें एज सून एज पॉसिबल पूरा करने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।